Marvel is back. भाई लोग तो आज मैं लेकर आए Deadpool and Wolverine. And I must say, क्या ही experience था movie का. Movie कैसी है, अच्छी है नहीं, वो जानने के लिए जाकर theater में experience करो. सही बता रहा हूँ, disappoint नहीं होगे. So let's talk about this movie. मैं as a fan बोल रहा हूँ, मैं कोई reviewer नहीं हूँ. मैं एज अ फैन एक दूसरे फैन से बात कर रहा हूँ. मूवी मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस थी. फ्रॉम इट्स स्टार्ट टू इट्स एंड मूवी काफी फास्ट पेस्ड है. मतलब आपको कहीं नहीं लगेगा कि मूवी स्लो हो रही है या रुक रही है. मूवी चलती रहती है, आप हंसते रहते हो पूरी मूवी में. एंड मैंने तो बेस्ट एक्सपीरियंस लिया IMAX 3D में देखकर. भाई मजा आ गया. आप भी इसे बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर देखना. मूवी का प्लॉट काफी सिंपल येट कॉम्प्लिकेटेड है. डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में है, उसके लिए उसे वुल्वरीन की हेल्प चाहिए और वो दोनों निकल जाते हैं उस जर्नी पर डेडपूल के यूनिवर्स को बचाने के लिए. उसमें हमें बहुत सारे कैरेक्टर दिखते हैं एंड मूवी की विलन भी दिखती है कैसेंड्रा नोवा, जो कि चार्ल्स जेवियर की इविल ट्विन बहन है. मूवी का बेसिक प्लॉट तो ये था. डेडपूल एंड वुल्वरीन कैमियोस के मामले में तो एपिक है. हमें इतने सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं जिसकी हद नहीं है और सारे इतने एपिक थे. ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है इसलिए मैं बता नहीं सकता, बट दो तीन कैमियोस तो ऐसे थे जिनके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था. बाकी कुछ के यहाँ रूमर्स थे तो वो वहां से पता चला, बट कैमियोस बहुत ही एपिक थे. पॉजिटिव इस मूवी के भाई, हाँ डेडपूल एंड वुल्वरीन ही थे. रायन एंड ह्यू ने क्या एक्टिंग की है. मूवी बहुत फनी है एंड जहाँ जहाँ इमोशनल होना होता है वहाँ वहाँ पर वो इमोशन फील भी होते हैं. और इतने सारे कैमियोस के बाद भी सेंटर डेडपूल एंड वुल्वरीन ही रहते हैं. एज अ फैन मेरे लिए मूवी ट्रीट थी भाई. इतने टाइम बाद मार्वल को ऐसे देखना, मजा आ गया. मैं कोई क्रिटिक्स या रिव्यूअर नहीं हूँ, बट हाँ एक चीज खराब लगी मेरे को, स्पॉइलर है तो ध्यान रखना, इसको स्किप भी कर सकते हो. भाई लेडी डेडपूल को इतनी ट्रेलर में दिखाया, हाइप बनाई एंड उसकी शक्ल तक नहीं दिखाई, ये तो यही बात हो गई ना. हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हैं हमको. मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन है, पोस्ट क्रेडिट नहीं है, तो आराम से देख कर आना. ये मूवी फॉक्स के यूनिवर्स को बहुत अच्छा ट्रिब्यूट देती है, जो कि लास्ट में काफी इमोशनल भी कर देता है. जब मैं छोटा था तब से एक्समैन की मूवीज देख रहा हूँ एंड उसका एंड होते हुए देखना काफी इमोशनल था. थैंक यू फॉक्स फॉर मेकिंग माय चाइल्डहुड बेटर. हाँ इमोशनल हो काफी ये मूवी देखने के बाद, बट हाँ फाइनली म्यूटेंट सागा भी तो शुरू होगा अब इसके बाद. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.